अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉपिंग बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो, एक सिंपल सा ये हमने पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 19.5 इंच और इसकी लंबाई ये देखो, इस तरह से फोल्ड करके मैं इसका मेजरमेंट बता रही हूँ। ये देखो, इस तरह से देखेंगे तो इसकी लंबाई है 17.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो, यहाँ से ये देखो, यहाँ से 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान पूरा लेके जाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे और ये स्टिचिंग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे 3 इंच पे लगाकर। और दूसरे साइड भी हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे भी इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, यहाँ से लेकर ये कॉर्नर पर पूरा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने दोनों साइड स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत से इसकी फिनिशिंग आती है। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। देखो, स्ट्रैप के लिए इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 18 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और इस तरह से दोनों स्टेप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से लगाएंगे। ये देखें, यहाँ इसके दरमियान में जितना भी हमारा आता है उसका सेंटर लेंगे। ये मेरा 13 आ रहा है। 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें, अब एक स्टेप को हम इस तरह से स्टिच करेंगे और दूसरे को भी इसी तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखो, यहाँ भी सेम आ रहा है तो यहाँ पे भी इसी तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। एक स्ट्रेप वहाँ अटैच करेंगे और एक दूसरा यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये दोनों हमने स्ट्रेप अटैच कर चुके हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस सेम इसी मेजरमेंट से लेंगे। ये देखो, इस तरह से, ये देखो, इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी स्टिच करेंगे, दूसरा यहाँ पे हम स्टिच करेंगे, उसके बाद इसे सीधा करेंगे और उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं, दूसरा हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से बराबर करेंगे। ये देखें, ये इस स्ट्रैप की जगह इसे यहाँ रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरा जब हम स्टिच करेंगे तो देखें, यहाँ से ये पूरा स्टिच करेंगे लेकिन यहाँ से इतना स्टिच करने के बाद इतना स्टिच नहीं करेंगे, ये स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। यहाँ से भी हमने स्टिचिंग करके ये हम लोग ओपन किए हैं। अब यहाँ पे बेस बनाएंगे। उसके लिए देखो, यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच पे निशान। ये देखो, इस तरह से 2 निशान यहाँ, 2 निशान यहाँ। इसकी कटिंग करेंगे। हमने कट कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से चारों स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस हिस्से से इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो, ये देखो, अभी इसे पैक करेंगे। देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर करेंगे। देखो, अंदर करने के बाद यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हुआ है। ये देखो, अंदर से इस तरह से ये स्पेस है और ये बाहर से इस तरह से इसका ये डिज़ाइन आता है। ये देखो, इस तरह से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।